सुबह की सुप्रभात के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज आप लोगों के बीच एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। अभी सुबह सुबह लखनऊ बनारस वाले 4 लेन हाईवे पे आए हैं और सामने का जो लालिमा दिखा रहे हैं, सूर्योदय का समय है, बहुत ही पीसफुल है, शांतिफुल है। और यहाँ पे मतलब अभी थोड़ा बहुत कोहरा भी दिखाई दे रहा है खेत में। उसके बाद आपको 4 लेन हाईवे का नज़ारा दिखाते हैं। थोड़ा बहुत धुंध यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से है ये। और कल भी हमने यहाँ की एक वीडियो डाली थी, एक चोरी वाला वीडियो, जो किसी ने कोशिश की थी चोरी करने की, लेकिन आज भी एक कमियाँ यहाँ पे नज़र आई, तो हमने सोचा आप लोग को ज़रूर दिखाया जाए। और अभी रोड पे हाई टेंशन लाइन गई हुई है, देख सकते हैं। और यहीं पे साथ सामने ट्रक भी खड़ा है। और अभी हम आकांक्षा पब्लिक स्कूल के पास में ही हैं और यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, उस कमियों को हम सोचते हैं किसी से आपको पूछ के दिखाएं और सिद्ध करके दिखाएं, ताकि आपको सच लगे। तो बस समय का वेट करते हैं, देखते हैं कोई आता है और उससे पूछते हैं। इंतजार कर रहे थे और देखिए एक अंकल जी आ रहे, पेपर लेते हैं, एक मिनट कुछ पूछना चाहेंगे। अंकल जी एक मिनट रुक जाएं, सुबह सुबह खबर देने चल दिए, हम कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, आप पेपर सुबह अभी कितने बजे बांटने जाते हैं? 5:30 बजे ना, लोगों की सेवा में लगे हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहे हैं, इसे पूछ रहे हैं वैसे, यहाँ आसपास गांव के नाम पता है आपका? अब ये चैती नगर है। चैती नगर है, जगदीशपुर, सिधियावा। और इधर बगल में कथकनकपुर। और इधर पीछे लोसनपुर। और इधर बगल में इटरोर, मुरैनपुर, हरिमऊ। अच्छा, आप यहाँ खड़े इस जगह पे, यहाँ पे क्या लिखा है बताओ बोर्ड पे, यहाँ क्या लिखा? जलालपुर तिवारी। अब जलालपुर तिवारी कितनी दूर है यहाँ से? यस पड़ेगा करीब 2 किलोमीटर। कौन से रोड पे? इसी पे है, सीधा आगे जाके। आगे जाके जलालपुर तिवारी 2 किलोमीटर आगे, लेकिन नाम यहाँ लिखा है, लिखा हुआ है। गलत है कि सही है? गलत है ना, यही हम कई दिन से आके सोचते हैं। एक जलालपुर तिवारी आप यहाँ बता रहे हैं, एक रामलीला मैदान से है उधर, है ना, शुक्लजार रोड पे है ना, वही जलालपुर तिवारी ना, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन लिखा यहाँ है जलालपुर तिवारी। कितना गलत है ना, लोगों को अंधविश्वास नहीं, मतलब कितनी गलत जानकारी दी जा रही है। तो सोचे जलालपुर तिवारी है, मतलब इतने अंधे अनपढ़ लोग हैं इंजीनियर इस मतलब रोड के, कि उनको ये नहीं पता कि 5 किलोमीटर दूर का गांव है और नाम यहाँ जलालपुर। चाहते तो यहाँ सिधियावा, इटरोर या मुरैन का पुरवा, या इधर लोसनपुर, या इधर कथकन का पुरवा, जो एकदम करीब है कथकन का पुरवा है, मैं तो यही आ रहा है ना, भले गूगल से उठाया, कहीं से उठाया, नहीं पता। कितना गलत है, हम यही सोचते हैं कि इतना गलत चीज लोग कैसे लिख देते हैं और इतना पैसा कमाते हैं और गलत जनता के लिए। अभी इसके सहायता से अगर कोई कुछ जानना चाहे तो बहुत गलत है ना, गलत जगह पड़ जाएगा। और सब बढ़िया है, गलत ना, यही दिखाना चाहते थे लोगों को, बस ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपने इतना सहायता किया, नमस्कार। तो दोस्तों देखा, बहुत दिन से सोचे आप लोग को दिखाया, लेकिन किसी के प्रूफ से दिखाने से आप लोग को सच पता लगेगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको शायद विश्वास ही ना हो। जलालपुर तिवारी यहाँ लिखा है, 5 किलोमीटर दूर जगदीशपुर के बगल में गाँव है। तो कुछ गलत, कुछ बड़ी गलतियां बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी कर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो इंजीनियर लोग को सलाह देना चाहेंगे, अगर ना पता हो तो बूढ़ बुजुर्गों से पता कर लिया कीजिए, आसपास के गांव में, जहां पे आप बस अड्डा पे नाम लिखवा रहे हैं या कुछ और गांव के नाम लिखवा रहे हैं। और अब यहीं पे पूरे कथकन का पुरवा गाँव सबसे पहले, फिर सिधियावा है, लेकिन सामने बोर्ड लगा है सिधियावा, ठीक है, लेकिन इधर भी एक बोर्ड लगना चाहिए था, पूरे कथकन का पुरवा। तो कुछ गलतियां बड़े बड़े इंजीनियरों की होती है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।